हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मास्टर एज रेट सर्विस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो कंट्रोल पैनल से रिलेटेड है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में, नेटवर्क इंटरनेट के बारे में, हार्डवेयर साउंड के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इन तीनों वीडियो के बारे में देख सकती हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है प्रोग्राम्स के बारे में। प्रोग्राम्स का मतलब जितने आपने कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया है, तो उन प्रोग्राम को हम कैसे देखें कि मेरे प्रोग्राम में कितने इंस्टॉल हैं, उनकी पूरा प्रॉपर्टी डिटेल्स हम कैसे जानें। तो इसके बारे में हम मेरा टॉपिक है प्रोग्राम एंड फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। तो कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक बार आपको जाना है स्टार्ट बटन में, और यहां से आपको कंट्रोल पैनल में क्लिक करना है, और आपको देखिए कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो गई। ओपन होने के पश्चात आपको देखिएगा यहां पर लिखा है व्यू आई, यहां से आपको अपने जो आपके ऑप्शन है कंट्रोल पैनल के, आपको क्या कैटेगरी में कर लेना है, ठीक ना। कैटेगरी में करने के बाद देखिए यहाँ पर एक जो ऑप्शन है इसका नाम है प्रोग्राम। इसी के बारे में आज हम जानेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसका यूज हम कैसे करें, इसके ऑप्शन के बारे में कैसे जानें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम इसमें देखिए सबसे पहले क्लिक करेंगे प्रोग्राम में। देखिए क्लिक करने के बाद आप कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्राम फीचर्स, डिफॉल्ट प्रोग्राम और डेस्कटॉप गजेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स के बारे में। तो जो मेरा प्रोग्राम है जो मैंने इंस्टॉल किया है, उन प्रोग्राम क्या है, उनकी विशेषता क्या है, तो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में क्लिक करना है। तो चलिए मैंने प्रोग्राम फीचर्स में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक विंडो दिख रही है जहाँ पर आपने जितने भी इंस्टॉल किए हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, देखिए आपके सामने शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको सभी आपके सामने, यहाँ पर ये देखिए जितने भी आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया है सभी आपके सामने क्या शो कर रहा है। सबसे पहले देखिए एडोब पेज मेकर, फोटोशॉप, एड निकम, मतलब जितने भी इंस्टॉल करेंगे सब आपके सामने क्या शो करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइज, इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट लेआउट, मतलब देखिए यहाँ पर लेआउट में जाएंगे तो लेआउट में देखिए दो ऑप्शन है, मेनू बार और डिटेल पेन। तो अगर देखिए मैंने मेनू बार में देखिए चेक है, अगर इसमें क्लिक करेंगे जो मेनू बार होता है मेनू बार वो हट जाता है। अगर आपको मेनू बार फिर से लाना है तो यहीं पर जाए लेआउट में, मेनू बार में क्लिक करके आपका मेनू बार शो करने लगेगा। इसके बाद देखिए इसी के बगल में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए ये वाला ऑप्शन, इससे क्या होता है कि जो आपके प्रोग्राम हैं अगर आप उनको बड़े आइकन में कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट। अगर आप लिस्ट में करना चाहते हो लिस्ट में कर दीजिए, अगर आप मीडियम आइकन में करना चाहते हो तो आइकन की तरह आपको दिखने लगेंगे। अगर आपको इनको पूरी डिटेल आप उनके जानकारी के साथ देखना है कि मैं इसको कब इंस्टॉल किया, किस तारीख को इंस्टॉल किया, कितने एमबी का है, तो आप क्या करिएगा आप इसको डिटेल्स में क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको क्या पूरा डिटेल के साथ आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए बैंडिकम, तो जो बैंडिकम है इसका जो पब्लिशर है, देखिए मैंने bandicam.com के नाम से पब्लिशर होता है। इसके बाद देखिए और इसमें यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत रुक लीजिए, इसी में देखिए जो मेरा पब्लिशर है मैंने इसको यहाँ पर लिखा है इंस्टॉलेड ऑन, मैंने इसको कब इंस्टॉल किया था वो बता रहा है। और इसकी साइज देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर साइज, और यहाँ पर बताएगा कि इसकी साइज कितनी है, और इसका वर्जन बताएगा कि इसने कब ये कितने कौन से वर्जन का है। तो यहाँ पर आपको सभी मतलब संपूर्ण जानकारी बताएगा, मतलब सभी प्रोग्राम की जानकारी यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ से हम क्या अपने किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहीं से मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से हम तो क्या अनइंस्टॉल भी कर सकते। देखिए इसमें आपको क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अनइंस्टॉल, तो इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद आपसे कुछ कमांड मांगेगा, उसके बाद ओके करिएगा तो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी अनइंस्टॉल नहीं करते क्योंकि मेरे प्रोग्राम सभी मैं अच्छे प्रोग्राम मतलब मैन प्रोग्राम है, सभी यूज प्रोग्राम है, इसमें कोई मेरा जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं जो खराब हो, ठीक। तो आप जैसे मान लीजिए किसी को अनइंस्टॉल करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका बस इतना ही काम है कि आपको यहाँ पर शो करता है कि आपने कितने प्रोग्राम इंस्टॉल है और कब मतलब कब पब्लिश किया गया था, कब कितने साइज हम भी सब देख सकते हैं। इसके बाद हम चलिए हम बैक चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट प्रोग्राम। डिफॉल्ट प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो आपके कंप्यूटर पहले से रहते हैं, पहले से इंस्टॉल रहते हैं, आपके डिफॉल्ट प्रोग्राम होते हैं। तो चलो मैंने इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन शो कर रहा है। सबसे पहला सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम, अपने मतलब जो आपके प्रोग्राम है डिफॉल्ट उनको सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एसोसिएट फाइल टाइप ए प्रोटोकॉल विथ ए प्रोग्राम, चेंज ऑटो प्ले सेटिंग, सेट प्रोग्राम एसएस एंड कंप्यूटर डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम, तो मतलब जो आपके डिफॉल्ट प्रोग्राम है उनको सेट कैसे करें। चलिए मैंने इसमें क्लिक किया, क्लिक करने में देखिए यहाँ पर आपको ओपन है मेरा डिफॉल्ट प्रोग्राम, यहाँ पर आपको देखिए शो कर रहा है जितने भी मेरे डिफॉल्ट प्रोग्राम होते हैं आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। तो देखिए पहले गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर में पहले से जो हमारे सिस्टम में पहले से रहते हैं वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर
हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम में क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन शो कर रहा है कि यहाँ पर चूज डिफॉल्ट फॉर दिस प्रोग्राम, मतलब आपके जो प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन क्या है। देखिए मैंने इसमें क्लिक किया, क्लिक करने में देखिए यहाँ पर आपको बहुत मतलब गूगल जो हमारा गूगल क्रोम है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देगा, उसका डिस्क्रिप्शन देगा, उसका करंट डिफॉल्ट मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर html.com उसका एक्सटेंशन बताता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, इस तरह उसका क्या जानकारी देख सकती हैं। ठीक, चलिए हम बैक चलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन एसोसिएट ए फाइल टाइप और प्रोटोकॉल विथ ए प्रोग्राम, इससे क्या होगा, चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। ठीक, थोड़ा देखिए लोडिंग ले रहा है, लिखिएगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके जो प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी फाइल शूट करोगे सेव करोगे तो मतलब किस एक्सटेंशन में दिखाई दे, मतलब जिसका जो उसका लास्ट टाइप होता है, जो लेआउट टाइप होता है, जो प्रकार होता है, ठीक, उसका हम क्या एक्सटेंशन देख सकते हैं। मतलब आप जितने भी प्रोग्राम डाउनलोड करें यहाँ पर सभी प्रोग्राम रहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला प्रोग्राम विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, मतलब जितने फोटोशॉप वर्ड एमएस एक्सेल जितने भी ओपन करेंगे सभी का यहाँ पर आप एक्सटेंशन देख सकते हैं यहाँ से। ठीक ना, तो इतना तो बस इसका इतना ही काम है कि आप यहाँ से उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। जैसे मान लो आपको दिखा, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, तो मैंने इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 97/2003 का ही है, और यहाँ पर देखिए उसका जो एक्सटेंशन है बता रहे कि .pot, इसका जो एक्सटेंशन .pot, इस तरह उसका क्या एक्सटेंशन देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, बैक चलते हैं। इसके बाद हम चलो बैक यहाँ से जाते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन है चेंज ऑटो प्ले सेटिंग, इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको जो गाना सुनना है वीडियो देखना है, तो हम उसमें किस सॉफ्टवेयर में किस टूल्स में देख के यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। चलिए मैंने इसमें क्लिक किया, लेकिन मैं देखिए मैंने इसके बारे में मैंने आपको पिछले भी वीडियो में आपको बताया था, पहले पिछले वीडियो में ये ऑप्शन था। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है ऑडियो CD, तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें क्लिक किया, तो जब मतलब आपको गाना सुनना है तो किस सॉफ्टवेयर में आपको गाना सुने ये हम सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑडियो सुनना है तो हम किस में सुने, विंडोज मीडिया प्लेयर में सुने कि VLC में सुने। अगर आप मतलब आज एवरी टाइम देखिए इसमें क्लिक कर देंगे तो मतलब ऑटोमेटिक वो अपने अनुसार किसी भी आपको ओपन कर देगा, मतलब आपको जो वीडियो पिक्चर्स मतलब किस सॉफ्टवेयर में देखिए यहाँ से हम क्या सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वीडियोज लिखा है तो देखिए यहाँ से आपको वीडियोज किस फाइल के अंदर देखना है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको अगर मीडिया प्लेयर के अंदर देखना तो मीडिया में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको आज एवरी टाइम करना है तो इसमें इससे करने से क्या होगा, मतलब किसी भी आपको किसी भी फोल्डर या किसी भी प्रोग्राम में ओपन करके वो दे देगा, वीडियो ओपन करके दे देगा। इसका बस इतना काम है कि बस यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन सेव है, सेव में क्लिक करेंगे तो आपको यह सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंप्यूटर डिफॉल्ट, इससे क्या होगा, चलिए इसमें भी क्लिक करके हम देख लेते हैं। इसका कुछ काम नहीं है, बस ये कुछ काम नहीं है, रहने दीजिए। इसके बाद हम चलिए बैक चलते हैं, चलिए मैंने यहाँ से बैक चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है डेस्कटॉप गैजेट, इसका यूज होता है जो हमारे जो बहुत सारे डेस्कटॉप में कुछ गैजेट होते हैं जो मतलब चित्र होते हैं, अगर आपको उनको शो कराना है अपने कंप्यूटर में, अपने जो स्क्रीन है आपकी डेस्कटॉप है उसमें शो कराना है। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है डेस्कटॉप गैजेट, तो डेस्कटॉप किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन के ये जो स्क्रीन है इसके संपूर्ण भाग को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखा है डेस्कटॉप गैजेट, मतलब अगर आपको गैजेट शो कराना है डेस्कटॉप में तो चलिए मैं आपको दिखा देते हैं कैसे। देखिए जब इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके सामने बहुत सारे गैजेट, इनको क्या गैजेट बोला जाता है, बहुत सारे देखिए आपके सामने शो हो रहे हैं। अगर आपको इनको अगर आपको अपने डेस्कटॉप पर शो कराना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लॉक का हो गया, कैलेंडर का हो गया, देखिए यहाँ पर करेंसी स्लाइड शो, वेदर का हो गया, जैसे एक वेदर भी हो गया, जैसे मतलब आपको वेदर की जानकारी लेना है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या गैजेट होते हैं जिनको अगर आप अपने डेस्कटॉप में शो कराना चाहते हैं शो करा, तो शो कैसे कराएंगे, बस आप जैसे मान लीजिए आपको क्लॉक को शो कराना है तो क्लॉक पर क्लिक करिए। क्लिक करने में देखिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखिए रुकिए, अगर मैंने क्लॉक में डबल क्लिक किया, अब डबल मैंने क्या आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक में देखिए अब आपकी जो स्क्रीन है आपकी स्क्रीन में देखिए यहाँ पर गैजेट आ गया है। ठीक, इस तरह कोई भी जैसे मान लो कोई घड़ी का गैजेट लगाना है तो गैजेट लगा सकते हैं। ठीक, अगर आपको गैजेट को मतलब जो आपकी टाइमिंग घड़ी है अगर सब कुछ चलाना है तो क्या कैसे चलाएंगे, आपको देखिए इसमें जो टूल्स बना है ऑप्शन ये जो इसमें देखिए रुकिएगा इसमें इस बारे में हमको जाना है, रुकिए नहीं ले रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने में देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे एक विंडो ओपन हुए जिसमें आपको घड़ी का प्रकार यहाँ से देखिए घड़ी को चेंज कर सकते हैं, आपको जैसी भी घड़ी लेना हो यहाँ से हम क्या गैजेट का प्रकार चेंज कर सकते हैं जो आपकी घड़ी अच्छी लगती हो। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें घड़ी में क्लिक किया और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन होगा शो द सेकंड हैंड, इसमें क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी जो घड़ी है वो आपके जो आपके कंप्यूटर में जो आपके टाइमिंग होगा उसके अनुसार क्या चलने लगेगी। देखिए आपको चल के दिखा देते हैं, चलिए मैंने इसमें क्लिक किया, चेक किया और यहाँ से मैंने क्या किया, ओके किया,
अब देखिए आपकी घड़ी चलने लगी है, इस तरह आपकी घड़ी क्या चल सकती है, अपनी घड़ी को चला सकती हैं। ठीक, तो इस तरह कोई भी अपनी घड़ी को क्या ऑटोमेटिक, देखिए आपकी घड़ी क्या चलने लगी, इस टाइम कोई भी गजट आप जैसा चाहे उसे गजट लगा सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे गजट है, देखिए एक वेदर का, वेदर में डबल क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर वेदर का आ गया, लेकिन ये पर क्या देखिए इसमें वेदर में क्या बता रहा है, कैन नॉट कनेक्ट, आपका इसमें जो मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए क्या नहीं शो कर रहा है, मतलब जो आपको वेदर की कुछ संपूर्ण जानकारी देगा कि कब बारिश होगी, इससे मतलब बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं वेदर से संबंधित। ठीक ना, यहाँ पर बहुत सारा वो गजट होगा। तो होप सो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो मतलब आपकी जो मैंने ऑप्शन बताया सभी आपको समझ में आएगा। प्लीज़ एक बार आप अपने से जो मैं बताया हूँ उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब ना बनेगा तो प्लीज़ मेरे से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहां पर कठिनाई। थैंक्स टू माय ऑल फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।